हे गाइज, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माई चैनल। ये है मेरा ट्रैवल व्लॉग का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट मैंने अपडेट कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके देखना। ये है उसके आगे का कंटिन्यू पार्ट, जहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए रामनगर फॉर वन नाइट स्टे, दैट इज जिम कॉर्बेट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग रामनगर पहुंचे थे आफ्टरनून अराउंड वन, दैट इज़ चेक इन टाइम। और ये वहाँ का बहुत ही सुंदर रोड है यार, वहाँ का रोड बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ और एकदम साफ सुथरा रोड है। तो ये हम मैंने थोड़ा सा रोड की सीनिक ब्यूटी कैप्चर की। हम पहुँच गए बिजरानी के गेट पे, दैट इज़ आमडंडा। यहाँ से सफारी स्टार्ट होती है फॉर द बिजरानी रीजन, और यहाँ से बिजरानी का जंगल स्टार्ट हो जाता है, यू गाइस कैन सी। तो हम लोगों ने वहाँ की सफारी नहीं की क्योंकि हमने वो लास्ट टाइम कर चुकी थी। ये हम आगे जा चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आगे रामनगर के जो रिजॉर्ट्स हैं उनका रास्ता। तो ये आगे जाके रामनगर से भी आगे निकल के जो है वहाँ पे ये रिजॉर्ट था। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैमल खड़े थे और हाथी वगैरह खड़े थे, यहाँ पे उनकी राइड करवाई गई थी जिसके कुछ चार्जेस लेते हैं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने हमने भी यहाँ से अपनी एलिफेंट राइडिंग की है, तो जिसकी वीडियो मैं आप ये डालूँगी, आप लोग देखना पूरा एंड तक। और ये हम पहुँच चुके हैं वहाँ की लोकल मार्केट में, जहाँ पे लेफ्ट साइड में तो पूरा जंगल था और राइट साइड में इस तरीके की शॉप्स थी जहाँ पे थोड़े थोड़े सुवेनियर्स, रिजॉर्ट्स वगैरह, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुके सारे रिजॉर्ट्स की लोकेशन। और जो हमारा रिजॉर्ट था वो यहाँ से बहुत ही पास था, अराउंड लाइक 300 मीटर की डिस्टेंस पे था। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ के जो मेजर रिजॉर्ट्स हैं, ये सारे वो हैं। ये हमारा रिजॉर्ट आ चुका है विच वॉज बियॉन्ड स्टे बाय वसावना। यहाँ पे ना सारे रिजॉर्ट्स ऑलमोस्ट एडजेसेंट ही हैं। जैसे ही आप इस रिजॉर्ट में एंट्री करोगे, लॉबी का एरिया आता है विच इज़ क्वाइट लाइक लार्ज। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट है, मैं आपको अपोजिट साइड से दिखा रही हूँ, और लाइक राइट साइड में इसके रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आगे जाके जहाँ पे पूरा इनकी रिसेप्शन की टीम मैनेजर वगैरह रहते हैं। और ये लॉबी एरिया बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं। हमारे बच्चे तो आराम से वहाँ पे खूब खेल रहे थे और उन्होंने बहुत मस्ती की, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर देना प्रेफर किया क्योंकि पूरे वीडियो में उनकी ही आवाज़ आ रही थी ऑलमोस्ट। और यहाँ से अब आप जाके इसमें जो पूरी फ्रेंच विंडो, यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा रिजॉर्ट का व्यू दिखता है, जिसमें इनका पूल सेक्शन का एरिया दिखता है, इनका गार्डन का एरिया दिखता है, और जो इनके रूम की जो बालकनी वगैरह है वो सारी दिखती है। मुझे रिजॉर्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ बहुत ही कॉन्शियस एक्सप्रेशन देके, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड विद द चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत परेशान कर दिया, बट फिर भी आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार मुझे व्लॉग बनाना है, मैं कैसे बनाऊँ, बट मुझसे जैसा भी बना गाइस मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। दिस वॉज माई नेफ्यू, जो कि पूरे वीडियो में आपको देखेगा बहुत बहुत बदमाशी करता है। एक्चुअली उसी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे गए थे फॉर वन नाइट। एंड फ्रॉम हियर वी वर चेकिंग इन टू अवर रूम, यहाँ से हम लोग रूम के लिए जा रहे हैं। दिस वॉज द वे विच वॉज सो ग्रीन, एंड ये आगे आप देखेंगे मेरी फैमिली जा रही है। लेफ्ट साइड में इसे पूल एरिया है, पूल का साइज ठीक था, वो उनसे बहुत बड़ा था बट प्रिटी नॉर्मल था, बच्चों के लिए भी एक अलग से सेक्शन था। एंड नाउ द टर्न ऑफ द रूम टूर। रूम का साइज भी बहुत अच्छा था, प्रिटी इनफ था, जितना होना चाहिए फॉर अ फैमिली, बहुत ही सफिशियंट रूम था। जैसे ही आप एंट्री करेंगे लेफ्ट साइड में आपको वॉशरूम दिखेंगे, जहाँ पे राइट तरफ आपको शावर एरिया मिलेगा, और सामने देखूंगी मैं आपको बाय सेइंग हाय, एंड आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे शिट पॉट वगैरह सब कुछ मिलेगा। देन आपको राइट साइड में मिलेगा फॉर योर लाइक कबर्ड थिंग, जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, विच वॉज क्वाइट गुड, जो एक हर होटल में होता है, आई थिंक होना भी चाहिए बीच में, बिकॉज इसमें आप अपना लगेज आराम से रख सकते हैं। आगे चल के आपको राइट साइड में पेंट्री सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे वही सब कॉफी एंड ऑल जो सब ठीक होती है। एंड दिस वॉज द बेड एरिया विद एसी, एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। दिस वॉज अ लार्ज मिरर हेयर टू यू नो कीप योर सेल्फ रेडी। एंड दिस वॉज अ लुक फॉर मी टूडे गाइज, कैसा लगा आपको मेरा लुक, आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे बताना, मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में इसके लिए लिंक ज़रूर दूंगी अगर आप पूछेंगे। और यहाँ से आगे चल के दिस वॉज द बालकनी एरिया, जहाँ से पूरा पूल का व्यू दिखता है। रूम वॉज इन फ्रंट ऑफ द पूल एरिया विच वॉज द बेस्ट पार्ट, ये यहाँ पे सबसे सही पार्ट था। एंड मुझे पूल वहाँ का पर्सनली बहुत सही लगा, हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की, उसकी भी वीडियो मैं आपको डालने वाली हूँ, आप देखना। यहाँ से मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ, क्वाइट कोजी स्मॉल पर वेरी क्यूट, एंड सर्विसेज इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत फास्ट एंड बहुत यूनिक सर्विसेज थी। आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जाए तो एक बार ये रिजॉर्ट जरूर चेकआउट करना रामनगर में। एंड आफ्टर चेक इन हम लोग थोड़ा रिफ्रेश वगैरह होके फटाफट पूल के लिए चले गए, बिकॉज उसी चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी और साथ में बच्चे भी। सो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ पूल में, बाय बाय। एंड यहाँ पे हमने फटाफट से चेंज करके पूल की तरफ गए, ये सब ट्यूब वगैरह हमारे ही थे, हम लोग पर्सनली अपना खुद लेके गए थे, होटल की तरफ से था या नहीं आई डोंट थिंक यार, हमने पूछा नहीं। बट यहाँ पे देखो मैं थोड़ा डाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, बट हमने बहुत मज़े किए, पानी बहुत ठंडा था। एंड एक्चुअली क्या हुआ, हमने चेक इन 1 बजे के अराउंड किया था, एंड पूल में जाते जाते 3:30 बज गए थे। और जो ये थो रेस्टोरेंट रिजॉर्ट था ये थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो वहाँ सनलाइट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से पानी बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए हमने अराउंड लाइक एक या आई गेस 1 घंटे के अराउंड ही हमने स्विमिंग करी। एंड
जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस तरह के स्विमिंग पूल में पानी के साथ खेलना। आई गेस सबको पसंद है यार, सब लोगों को जाना चाहिए फैमिली के साथ इस तरीके से एक नाइट स्टे करने से, बाहर ही थोड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस हो जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अपनी स्विमिंग की स्किल्स दिखा रही हूँ यार, मुझे कुछ नहीं आता बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा दिखाने की। एंड ये बाहर मेरी सिस्टर दोनों बच्चों को लेकर खड़ी थी, ये है वो दो बदमाश बच्चे जिन्होंने पूरे व्लॉग में बदमाशी कर रखी। 5:30 इन लोगों ने हाई टी का अरेंजमेंट वहीं पूल साइड एरिया पे किया होता, वहाँ पे इन्होंने छोटा सा काउंटर ला के वहाँ पे कॉफी टी एंड स्नैक्स बिस्किट्स कुकीज वगैरह सर्व कर रखे थे, विच वॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंड आई थिंक इट दिस वॉज द बेस्ट पार्ट। जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है, आई टोल्ड यू मुझे तो पर्सनली वो सबसे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ली, उसके साथ मैंने थोड़े से कुकीज़ लिए एंड हम सब ने पूल साइड बैठ के एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया विद कॉफ़ी टी स्नैक्स एंड लॉट्स ऑफ गॉसिप, विच वॉज वेरी 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 गुड एंड वेरी क्वालिटी टाइम आई मस्ट से गाइज। ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं फैमिली के साथ, जो एक साथ बाहर जाके बच्चों के फेस पे जो हैप्पीनेस मिलती है वो सबसे अलग एक्सपीरियंस होता है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे मैं मेरी थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़े से बिस्किट ले जाती हुई, एक्चुअली ये मेरा सेकेंड राउंड था इसीलिए इतना सा है, वरना फर्स्ट राउंड में मैंने फुल कॉफ़ी पी है एंड कॉफ़ी एंड टी वॉज वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी थी। एंड हेयर आई वॉज ट्राइंग टू पोज एंड ये मेरा नेफ्यू फिर से कुछ बात कर रहा था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी वेरी एक्साइटेड टू शो इन द व्लॉग। एंड यहाँ पे हम लोग शाम को अराउंड लाइक 7:30 के अराउंड हम लोग वहाँ पे एक पास में 250 meter डिस्टेंस पे एक मुश्ताक कैफे था, यहाँ पे हम लोग गए थे विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए ऐसे आउटिंग के लिए बाहर चले गए टू हैव सम स्नैक्स, कॉफ़ी वगैरह तो हमने पी ली थी बट कुछ और बच्चों के लिए मैगी वगैरह खाने के लिए हम लोग यहाँ पे गए। यहाँ पे भी थॉट कि केक वगैरह मिलेगा बट वो वहाँ नहीं मिला। एंड पर्सनली आई विल से कि मुझे यहाँ की सर्विस भी अच्छी नहीं लगी, जो ओनर था वो काफ़ी रूड था एंड आई रियली डिडंट लाइक द सर्विस ऑफ दिट एंड क्वाइट एक्सपेंसिव, सो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं ला। हाँ बट कैफे वॉज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था बट जो सर्विस थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, दे वर नॉट एंटरटेनिंग द फैमिली विच वॉज वेरी रूड ऑफ देम। एंड हमने यहाँ पे जस्ट फटाफट से अपना कुछ थोड़ा बहुत खाया बिकॉज हम बैठ गए थे एंड फिर हम वहाँ से निकल गए। एंड वहाँ से आगे जाके थोड़ी रात हो गई थी, यू विल सी दिस वाज इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द रामनगर। एंड यहाँ पे मेरा नेफ्यू अगेन आते हुए एंड अगेन फुल एक्साइटमेंट के साथ मुझे परेशान करते हुए, बिकॉज इसका बर्थडे था नहीं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पे हम लोग गए था चॉकलेट रूम, यहाँ पे हमने इसके लिए केक लिया एंड ये कैफ़े इतना अच्छा था गाइस, इतना सुंदर था अंदर से, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये इसका एम्बियंस है, पूरा चॉकलेट थीम पे बना हुआ इसका एम्बियंस था एंड दिस वाज टोटली लाइक स्टारबक्स एंड बारिस्ता। यहाँ पे इतनी अच्छी चॉकलेट की खुशबू आ रही थी अंदर, आई वॉज लाइक रिग्रेटिंग कि हम लोग उस कैफे में क्यों बैठे, इधर क्यों नहीं बैठे। देन हम यहाँ आए तो हम यहाँ अगेन हमने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के चिल किया, कुछ खाया पिया एंड यहाँ से केक वगैरह लेके हम लोग निकल गए। कैफ़े बहुत अच्छा था, इसका स्टाफ बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी एंड यहाँ पे आपको बॉटल्स एंड ऑल जो भी आप अपने शेकर्स वगैरह ले सकते हैं वो सब भी यहाँ पे मिलता था, होममेड चॉकलेट्स एंड ऑल। देन ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, सॉरी गाइस मैं रात की क्लिप ऐड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम सबके कॉल आ गए एंड फोन वॉज क्वाइट बिजी, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वी जस्ट कट द केक एंड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, दैट्स इट। क्योंकि बच्चा था सो गया था पूरे दिन, उसने भी अपना खूब मजे किए थे तो जल्दी सो गया था केक कट करके। एंड ये हमने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा ही ज़्यादा ब्रेकफास्ट था, हमने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया बिकॉज हम लोग बहुत टायर्ड थे पूरे दिन के एंड ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी था, कॉफ़ी वगैरह एंड मेरे फेस पे तो देखो कितनी सही स्माइल आ रही है। देन हमने अराउंड लाइक 11 के अराउंड हमने वहाँ से चेकआउट कर लिया एंड फटाफट चेंज करके बीच में हम लोग पूल भी गए थे, वो वीडियो मैंने ऐड नहीं की बिकॉज माय फोन वाज ऑन द चार्जर। एंड यहाँ से हमने फटाफट अपना सामान पैक किया एंड हम वहाँ से निकल गए। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद बियॉन्ड सेवा वसावना, आप लोग ये रिजॉर्ट चेक कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम अगर आप जिम कॉर्बेट या रामनगर जाए तो। एंड यहाँ से हम लोग चेकआउट करके वापस अपने घर की ओर चल पड़े, बट अभी जो एक्साइटिंग पार्ट है इस व्लॉग का वो अभी आने वाला है जो हमने वहाँ पे किया। जैसा कि मैंने आपको जाते टाइम बताया था वहाँ पे एलिफेंट राइडिंग और कैमल राइडिंग हो रही थी, तो अब हम वही करने वाले थे बिकॉज वो यहाँ से बहुत पास था, अराउंड 300 meter की डिस्टेंस पे, तो हमने सोचा था हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए फिर से आ गया बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था पूरे दिन। तो यहाँ पे दो एलिफेंट थे जिनकी राइड ये लोग करवा रहे थे एंड दे वर टेकिंग लाइक 3,000 rupees फॉर पर राइड, जिसमें आप लोग 4 adults और 1 child बैठ सकता है, बट हम लोगों के पास 4 adults और 3 child थे जिनमें 2 infant थे। तो आफ्टर रिक्वेस्टिंग ये लोग मान गए और ये दोनों जो एलिफेंट थे फीमेल एलिफेंट थे, यहाँ से आप लोगों को ऊपर स्टेयर्स के ऊपर ये लोग ले जाते हैं और स्टेयर्स के साइड में एलिफेंट खड़ा हो जाता है और उसके
पास ऊपर जाके फिर आपको बैठना पड़ता है। ये देखिए इसको जाते हुए, और ये यहाँ पे हम लोगों ने अभी बैठना स्टार्ट किया। वी वर क्वाइट अफ्रेड क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग बैठे थे। एलिफेंट इतना सुंदर होता है, इतना प्यारा होता है यार, एक बार तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था उसे बैठने पे, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि यार ये लोग टॉर्चर तो नहीं हो रहे। बट जब इसका जो राइडर था उससे बात बात करने के बाद मुझे पता चला कि इट वॉज क्वाइट नॉर्मल फॉर देम, ये लोग इतना वेट आराम से बेयर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बैठ गए एंड मैं बहुत डर रही थी कहीं फ़ोन गिर ना जाए, सो माई हस्बैंड वॉज इंस्ट्रक्टिंग टू मी कि यार फ़ोन रख दो। सो मैंने बस थोड़ी सी क्लिप बनाई है, आगे जो क्लिप बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी जो राइडर ने ही बनाई थी वहाँ पे जाके। ये लोग ना रिवर की तरफ ले जाते हैं, क्वाइट लाइक 30-35 मिनट की एक्टिविटी होती है विच वॉज क्वाइट लॉन्ग एंड बहुत अच्छे थे, बिकॉज एलिफेंट है तो स्लो स्लो जाता है। देखो एलिफेंट पे मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज़ बताती हूँ, जब आप उसके ऊपर बैठ के जाएंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, शुरू में अच्छा लगेगा, बट एलिफेंट इतना देखिए इतना धीरे धीरे चलता है ना, वो बहुत बोरिंग लगता है। बट जो एक्साइटमेंट होती है वो जो आगे जाके जो एक्टिविटी करता है ना वो बहुत अच्छी होती है, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने रास्ता दिखाया, देखिए कितना गंदा रास्ता है यार, पता नहीं क्यों टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग कचरा करके रखते हैं, साफ़ नहीं रखते यार। वी शुड लाइक डू नॉट यू नो थ्रो डस्ट गार्बेज ऑन द रोड और ऑन द टूरिस्ट प्लेस इटसेल्फ, जिससे बहुत ही दिक्कत होती है एंड बहुत ही अनहेल्दी अनहाइजीनिक लगता है एंड जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है। सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल पीपल दैट डू नॉट थ्रो लाइक गार्बेज ऑन रोड और एनी वेयर, जस्ट थ्रो इट ऑन द डस्टबिन। एंड यहाँ पे हम लोग आगे जाते हुए बहुत स्लोली स्लोली, बच्चे भी बैठे हैं यार। एंड ये देखिए ये जो पीछे की साइड कोसी रिवर है रामनगर में कॉर्बेट में, वहाँ पे इसको ले जाके राइडर नीचे उतरा और उसने वीडियो बनाई, पता है इसने लिटरली ट्रम्प भी किया एंड वी वर सो हैप्पी टू हियर दैट। इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। एंड ही वॉज शावरिंग, सॉरी शी वॉज शावरिंग विद वाटर, बहुत ही सुंदर था यार, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस। एंड शी वॉज क्वाइट स्ट्रांग, इतने लोगों को बिठा के वो ले आई, यानी इतनी प्यारी नदी का सीन था। हम लोग नीचे नहीं उतरे बिकॉज वापस वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, बट एलिफेंट वॉज रियली इन्जॉइंग एंड सी शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सो वी वर। एंड यहाँ पे राइडर से पूछ के मैंने उसको टच भी किया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं टच करूँ कहीं वो हिल जाए, बट उसकी स्किन इतनी टफ थी, इतनी रफ थी यार, मुझे बड़ा डर लगा, बट बहुत मज़ा आया। आप लोग ये प्लीज़ ट्राई करना। और यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए, कैमल राइड कर रहे थे कुछ लोग, यही वहाँ का लोकल मार्केट अगेन आ गया जो मैंने बताया था आपको, जो कि लेफ्ट साइड में पड़ गया। एंड यहाँ से ये वापस बिजरानी का जो रीज़न है वो आ चुका है, आमडंडा गेट, जहाँ से बिजरानी की सफारी स्टार्ट होती है। ये हमने लास्ट टाइम की थी यार, हम लोग हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं क्योंकि बहुत पास है, और एक यू नो नाइट का वीकेंड गेट अवे हो जाता है और पूल वगैरह मिल जाता है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ऐसी एक्टिविटी आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और बच्चों कुछ नया करने के लिए अगर उनको पूल वगैरह पसंद है तो इस तरीके से आप लोग उनको एक रात के लिए बाहर लेके जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। बच्चों को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट दिलाइए क्योंकि जानवर वगैरह बहुत प्यारे होते हैं, उनको नेचर के पास लेके जाइए। हमने ये चीज़ स्टार्ट करी है एंड वी आर क्वाइट लविंग इट। जंगल दिखाना, जानवर दिखाना हमें भी देखना पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, और इस तरह की चीज़ें आपको ड्राइव में बहुत ही हैप्पीनेस देती हैं। एंड बाय दिस थिंग आई एम एंडिंग माय व्लॉग हियर। आप लोगों को मेरा ट्रैवल व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो और इसी तरह के एफर्ट, और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए यार। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ट्राई कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा कुछ लेके आऊँगी, नेचर मेरी फेवरेट है। आप लोगों अगर नेचर का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।